नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएलसी इलेक्ट्रिकल। मैं हूं प्रणव सिंह। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ऊपर होने वाला है, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा अब घर में बैठ के खुद कैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ होता है, देखिए आप लोग घर में स्टेबलाइजर यूज़ करते ही होंगे। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज क्या होता है, देखिए हाई वोल्टेज का मतलब हम लोग घर में जो 230 वोल्ट यूज़ करते हैं उसी को हाई वोल्टेज बोल रहे हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग के घर में 230 वोल्ट से नीचे वोल्टेज मिलता है, मतलब कभी कभी 100, 120, 150, 200, 210 ऐसे वोल्टेज मिलता है। तो हम लोगों को 230 वोल्ट चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेबलाइजर लगा देते हैं। तो वो स्टेबलाइजर क्या करते हैं ना, जो लो वोल्टेज होता है उसको हम लोग का 230 वोल्ट में पहुंचा देता है। तो वो कैसे करता है, देखिए उसके अंदर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो आप लोगों को बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, वो अंदर लगा हुआ होता है। अगर कभी भी आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टोटल 4 टॉपिक में डिवाइड कर दिए है। जो पहला टॉपिक आज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आप कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफार्मर का, एंड ट्रांसफार्मर का टैपिंग आप कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो में से मैं इतना ही बताऊंगा, और आगे आगे जो वीडियो आता जाएगा बाकी 3 टॉपिक के ऊपर होगा। दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, वीडियो के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए पहले हम लोग को क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। हम लोग को टोटल 5 इक्विपमेंट चाहिए, जिसमें से पहला पॉइंट क्या होता है, बॉबिन। बॉबिन दिखने में आपको ऐसे लगता है, ये होता है आपका बॉबिन। बॉबिन का काम क्या होता है ना, इसके ऊपर वायर को सपोर्ट देने के लिए, मतलब ट्रांसफार्मर वायर जो इसके ऊपर टर्न देते हैं तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग का बॉबिन का ज़रूरत होता है। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर ये होता है, देखिए ट्रांसफार्मर कोर एक ई शेप का होता है, एक आई शेप का होता है, दोनों ही मेरे को चाहिए। उसके बाद आता है इंसुलेशन पेपर। इंसुलेशन पेपर कैसे होता है, ऐसे इंसुलेशन पेपर होता है। इंसुलेशन पेपर का काम क्या होता है ना, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का बीच में हम लोगों को सेपरेट करने के लिए हम लोगों को इंसुलेशन पेपर का ज़रूरत होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वायर ये हो जाता है आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वायर, ठीक है। सेलो टेप, सेलो टेप आप लोगों को पता ही होगा। अब आता है टॉपिक में। टोटल हम लोगों ने 4 टॉपिक में डिवाइड किया। फर्स्ट टॉपिक क्या है, टर्न पर वोल्ट कैसे हम निकाल सकते हैं, एंड ट्रांसफार्मर का टैपिंग आप कैसे करते हैं। देखिए अब पहले टर्न पर वोल्ट में आ जाते हैं। पहला चीज़ ये आता है, टर्न पर वोल्ट होता क्या है। देखिए टर्न पर वोल्ट का मतलब ये है, आपको एक वोल्ट मिलने के लिए आपको कितना नंबर ऑफ टर्न डालना पड़ेगा, भाई ऐसे भी आप बोल सकते हैं कितना नंबर ऑफ टर्न डालने में आपको एक वोल्ट मिलेगा। मतलब सोचिए आपके पास एक बॉबिन है, ये बॉबिन है, इसके ऊपर एक टर्न डाल दिए, एक टर्न हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद दो टर्न हो गए, इसके बाद थ्री टर्न हो गया, तीन टर्न हो गया, ऐसे कितना आप नंबर ऑफ टर्न डालेंगे जिसमें आपको एक वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वही मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास। तो T=1/4.44 FVA, ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्न निकालने का फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखना। जहाँ पे टी क्या होता है टर्न पर वोल्ट, एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी, बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये मतलब बॉबिन का इंटरनल साइज, ये आपका बॉबिन है इसका अंदर का साइज कितना है, वो आता है आपका ए में, ठीक है। अब आते हैं बी का वैल्यू कितना होगा। बी का वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, 1.2 Wb/m², ये हर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के लिए सेम होगा। ए तो सेम ही होगा, 50 Hz होगा आपका जो फ्रीक्वेंसी है। ये मतलब बॉबिन का साइज। अब बॉबिन का साइज कैसे निकालते हैं, देखिए मेरे पास एक स्केल है, एक सेंटीमीटर में हम डिसाइड करेंगे इसको। अब आपका जो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विथ, ए लेंथ हो गया आपका, ए विथ हो गया, ठीक है। तो लेंथ एंड विथ ये दोनों को मिला के मेरे को एरिया मिलेगा। देखिए मेरा लेंथ कितना आ रहा है, 2.5, और आपका विथ कितना आएगा, 2.5। तो 2.5 × 2.5 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमने निकाला है, देखिए A=0.025। देखिए 0.025 का मतलब मेरा सेंटीमीटर में था, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब सारे जो वैल्यू है उसको मैंने उसी फॉर्मूला में डाल दिए। तो फॉर्मूला में अगर डाल देंगे इसको आप कैलकुलेट करके, 6 टर्न आपको आएगा, ठीक है। मतलब 6 टर्न का ये, इसका मतलब क्या है, आप मेरे पास बॉबिन है, ये बॉबिन है,
तो इसके ऊपर मैंने अगर 6 टन डालेंगे, मतलब ऐसे के देखिए, 1 टन ये हो गया, ये मेरा 1 टन हो गया, इसके बाद दूसरा टन ये हो गया, ऐसे करके अगर 6 टन आप डालेंगे तब आपको 1 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक ट्रांसफॉर्मर है, जहाँ पे मैंने दिखाया एक प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, ये प्राइमरी कॉयल है, ये सेकेंडरी कॉयल है, ये प्राइमरी वोल्टेज मतलब VP और सेकेंडरी वोल्टेज मतलब VS। अब पहला चीज़ ये है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन करना है तो पहले आपको प्राइमरी मतलब ट्रांसफॉर्मर किस वोल्टेज में आपको डिज़ाइन करना है, मतलब प्राइमरी साइड में कितना मिनिमम वोल्टेज में आपको ट्रांसफॉर्मर को डिज़ाइन करना है। सपोज सोच लिया मैंने 70 वोल्ट में मेरे को ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन करना है, इसका मतलब प्राइमरी साइड में मेरा मिनिमम अगर 70 वोल्ट आएगा तब मेरे को आउटपुट मतलब सेकेंडरी साइड में मेरे को 230 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब प्राइमरी साइड में मेरे को कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न मेरे को डालना पड़ेगा 70 वोल्ट के लिए। सपोज 1 वोल्ट के लिए मेरे को 6 टन, मतलब मेरा 6 टन अभी निकाले हैं, अभी बॉबिन का साइज के हिसाब से मैं 6 टन निकाल लिया, तो 1 वोल्ट मिलने के लिए मेरे को 6 टन चाहिए, तो 2 वोल्ट मिलने के लिए मेरे को कितना चाहिए, 12 टन चाहिए, 3 वोल्ट मिलने के लिए मेरे को 6 × 3 मतलब 18 टन इसमें डालना पड़ेगा बॉबिन में, तब मेरे को 3 वोल्ट मिलेगा। ऐसे करके मेरे को 70 वोल्ट मिलने के लिए प्राइमरी साइड में, तो बॉबिन के ऊपर मेरे को कितना नंबर ऑफ टर्न डालना पड़ेगा, 420 नंबर ऑफ टर्न डालना पड़ेगा, उसको मैंने NP मतलब NP डाल दिए, मतलब NP में डिवाइड मतलब डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब मेरे को प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न निकल गया, मेरा कितना नंबर ऑफ टर्न डालना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ सेकेंडरी साइड में, मतलब जो ट्रांसफॉर्मर है उसका सेकेंडरी साइड में कितना नंबर ऑफ टर्न डालना पड़ेगा 70 वोल्ट में, तो उसके हिसाब से देखिए 1 वोल्ट के लिए मेरे को 6 टन चाहिए, 2 वोल्ट के लिए कितना चाहिए 12 टन, 3 वोल्ट के लिए 18, ऐसे करके 230 वोल्ट के लिए मेरे को कितना चाहिए 1380, देखिए 1380 टन मेरे को देना पड़ेगा सेकेंडरी साइड में, तब मेरे को 230 वोल्ट मिलेगा जब आपका 70 वोल्ट प्राइमरी में होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं ट्रांसफार्मर का टैपिंग कैसे करते हैं। देखिए अगर मेरे पास 70 वोल्ट आया इनपुट साइड में, कभी कभी 100 वोल्ट आता है, कभी कभी 150, कभी कभी 200-230 ऐसे अगर वोल्टेज आएगा, तब मेरा सेकेंडरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, ठीक है। उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला निकाले हैं, देखिए VS/VP = NS/NP = IP/IS। VS क्या है, VS मतलब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, VP मतलब प्राइमरी साइड का, NS मतलब सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स, एंड NP मतलब आपका प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स। ये बाद में जरूरत होगा, ये अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना आप याद रखिए सिर्फ। अब सपोज सोचिए 70 वोल्ट मेरा इनपुट में आया, तब मेरा क्या होगा, 70 वोल्ट में देखिए VP = 70 आया, VS मतलब सेकेंडरी साइड में क्या है 230 वोल्ट चाहिए, ये हमेशा कांस्टेंट है, 230 वोल्ट चाहिए हर वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब प्राइमरी साइड में कितना 420 नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड में कितना चाहिए वो मेरे को कैलकुलेट करना है। अब इसी फॉर्मूला में सब कुछ डाल दिए तो क्या होगा, 1380 टन आ गया मेरा, तो यहाँ पे मेरा 1380 टन डालना पड़ेगा, तब मेरे को 230 वोल्ट मिलेगा अगर मेरा इनपुट में 70 वोल्ट होगा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम लोग हमेशा सेकेंडरी साइड में टैपिंग करते हैं, प्राइमरी साइड में कोई भी चेंजेस नहीं करते, मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्न देख रहे हैं ना, इसको हमेशा प्राइमरी साइड में कॉन्स्टेंट रखेंगे एंड सेकेंडरी साइड में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। आगे आगे हम बताएंगे 100 वोल्ट के लिए कैसे होता है, 150 वोल्ट, तब आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप देखिए जो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है ना वो हमेशा वैरी होगा, बट सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब 230 मेरे को मिलना है, और प्राइमरी साइड के जो नंबर ऑफ टर्न है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं 100 वोल्ट में मेरा क्या होगा, अगर मेरा प्राइमरी साइड में 100 वोल्ट है, देखिए ये देखिए प्राइमरी साइड, अगर प्राइमरी साइड में मेरा 100 वोल्ट आया तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को सेकेंडरी साइड में कितना डालना पड़ेगा। आप 100 वोल्ट के लिए VP = 100 वोल्ट, मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज 100 वोल्ट, सेकेंडरी साइड में कितना है 230 वोल्ट मिलना है, ये तो कांस्टेंट आएगा, बोल दिया अभी आपको। और NP मतलब ये भी कांस्टेंट है आपका, तो आपका NS निकल जाएगा, मतलब 966 टर्न्स आपको डालना पड़ेगा तब आपको 230 वोल्ट मिलेगा अगर आपको इनपुट में 100 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए ये तो पहले इतना सारे जो वाइंडिंग है यहाँ से यहाँ तक जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये आपका क्या, ये 70 वोल्ट के लिए हम लोग पिछला डिजाइन किए थे। अब मेरे को एक टैपिंग करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब 966 टर्न चाहिए मेरे को, मतलब पहला मेरे ज़्यादा वाइंडिंग था, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न था, अब मेरा कम हो गया, देखिए 966 हो गया, मतलब यहाँ से मेरे को एक वायर निकल देना, मतलब टैपिंग कर देना है, ठीक है। अब देख ध्यान से देखिए
जब आपका इनपुट साइड का वोल्टेज बढ़ रहा है तब आपका नंबर ऑफ टर्न्स घट रहा है, मतलब सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो घट जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्राइमरी साइड में देखिए वोल्टेज 70 था तो उस टाइम 1380 टर्न था यहाँ पे सेकेंडरी साइड में। अब देखिए जब आपका इनपुट साइड में वोल्टेज बढ़ गया तो नंबर ऑफ टर्न्स आपका कम हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं मैं 150 वोल्ट के लिए कैसे होगा, तो प्राइमरी में आपका 150 वोल्ट आ गया, अब सेकेंडरी में 150 वोल्ट के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न डालना पड़ेगा, तो मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया है 644 नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को चाहिए, ठीक है। तो 644 के लिए मेरे को यहाँ पे टैपिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 1380 टर्न है, मतलब 70 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 100 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है, और यहाँ से यहाँ तक क्या मेरे का 150 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है, मतलब यहाँ से मेरे को टैपिंग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्न है, 644, और यहाँ से इसका कितना नंबर ऑफ टर्न है, 332, और यहाँ से इसका कितना नंबर ऑफ टर्न है, 414, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं, अगर 230 वोल्ट आपको इनपुट में मिलेगा तो आउटपुट में भी आपको 230 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी में कितना नंबर ऑफ टर्न डालना पड़ेगा। देखिए प्राइमरी में मेरा सपोज सोच लिए जो यहाँ पे 230 होगा, तो प्राइमरी में 230 वोल्ट, सेकेंडरी में 230 वोल्ट, और सारे वैल्यू मैंने दे दिया तो एनएस कितना होगा, 420 वोल्ट निकल गया। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ टर्न कितना डालना पड़ेगा, 420। तो आप देख रहे होंगे प्राइमरी साइड में जितना मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी साइड में भी उतना है, मतलब अगर 230 वोल्ट आपका इनपुट में आता है एंड आउटपुट में भी आपको 230 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए प्राइमरी में जितना आपका नंबर ऑफ टर्न्स होगा सेकेंडरी में भी सेम नंबर ऑफ टर्न्स होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 230 वोल्ट चाहिए और यहाँ से भी 230 वोल्ट आपका इनपुट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से इतना तक आपका नंबर ऑफ टर्न कितना चाहिए, 420 चाहिए, मतलब इनपुट में जितना चाहिए आउटपुट में उतना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही था, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अगर कुछ पूछना होगा आज का वीडियो के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगला जो मेरा सेशन होने वाला है वो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं उसके ऊपर होने वाला है। तब तक के लिए मेरा चैनल RLC इलेक्ट्रिकल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, एंड मन में ठान लीजिए, लर्न विद पैशन, वर्क विद पैशन। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।